आयुष मंत्रालय की तरफ से शनिवार की ओर से आरेशपुरा क्षेत्र के गांव चौहाला एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई ताकि लोग महामारी के इस दौर में अपने आप को दुरुस्त रख सके। द्वारा गांव चौहाला में एक आयुर्वेदिक कैंप ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, और जो मैं शुक्र गुजार हूँ अपने जिला प्रधान एचएस पमी जी का और अपनी हाई कमान बीजेपी का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मेरे गांव के वासियों को एक जो पिछले साल से कोरोना की महामारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है उससे निजात पाने के लिए आयुष मंत्रालय ने हमें आज कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करवाई, ताकि हमारे गांव के लोग जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, चाह जिनको नहीं भी है, वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको यहाँ से आज दवाई दी। मेरे साथ आज डॉक्टर इकबाल जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके बड़े अच्छे तरीके से हमारे गांव के गांववासी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी कि हाउ टू यूज़, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कितना कितना कितनी मेडिसिन लेनी है, कितने समय में लेनी है, ताकि लोग इसको अच्छी तरह जान सकें और इसको इसका प्रयोग अच्छी तरह करें, ताकि आने वाले जो समय है कि तीसरी वेव हमारे बीच में ना आए, उसको पहले ही कवर करने के लिए आज आयुष मंत्रालय ने यहाँ पे कैंप लगाया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे गांव चौहाला के लोगों को आज बहुत एक निजात पाने का मौका मिला। जब जान है तो जान है, और जान को बचाने के लिए हमारे अंदर शरीर के अंदर इम्यूनिटी कंपलसरी है। इम्यूनिटी जब तक नहीं है तो फिर उसी इंसान को दूसरी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इम्यूनिटी के लिए हमें आज इम्यूनिटी बूस्टर यहाँ पर है, ख़ासतौर से अमृता एरिस्टा है और इसके तहत तुलसी है, जो हमारे घरों में भी हम लोग लगाते हैं, उसकी टैबलेट्स ही हमारे पास आयुष मंत्रालय ने प्रोवाइड की हैं। तो और दूसरी जो है जो चेस्ट जो खांसी जुकाम वगैरह की दवाइयाँ भी भेजी हैं, तो हमने जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से जो ये दवाइयाँ भेजी थी, आज हमने आपको हर गांव के हर व्यक्ति तक ये पहुँचाई। और इसमें हमारे जो विकास डोगरा साहब हैं, इन्होंने जितना कोऑपरेट किया है कि उसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। जितनी मेहनत की, इसने पूरे गाँव वासियों को जो है इसका बेनिफिट दिया, और हमने भी जितना सहयोग करना था वो हमने कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आगे भी हमें ये मौका मिलेगा, ताकि हम लोगों के बीच में लोगों की खिदमत कर सकें। जय हिंद। आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।